हेलो डियर बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एन बर्नौली ट्रायल्स अगर आप लेंगे तो पहले मेन टर्म्स कौन से हैं। तो सबसे पहला मेन टर्म आया था डायकोटोमस, मींस एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको प्रिसाइजली दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेंगे। तो सपोज हम लोगों ने पूछा इज अ पर्टिकुलर पर्सन लेस देन 10 ईयर्स, तो आपका आंसर होगा येस और नो। तो ऐसे इवेंट्स जिनका आंसर हम प्रिसाइजली येस और नो के फॉर्म में दे सकें, दोज आर कॉल्ड एज डायकोटोमस एक्सपेरिमेंट्स। तो प्रॉबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस, अगर आप टोटल लेते हैं एन ट्रायल्स और उसमें आपने स्मॉल पी से दिखाया प्रॉबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो आंसर आएगा आपके पास पी एक्स इक्वल टू एन सी एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स इंटू पी रेज टू एक्स, जहां x की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से। सो इस पी एक्स फंक्शन को आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हेन एवर अ क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू, फर्स्ट फाइंड द जनरल टर्म लाइक एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, देन फुलफिल द गिवन डेटा। सपोज अभी हम लोग पहले दो सॉल्व क्वेश्चंस करते हैं, देन वी विल बी गोइंग फॉर एक्सरसाइज 8.1। तो पहला क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल्स में गिवन है, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स। एग्जैक्टली वर्ड पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले आप रिपीटेड टॉसेस को बोल देंगे, बिकॉज एक कॉइन में, तो पहले चेक करो क्या ये बर्नौली ट्रायल्स हैं। तो एक कॉइन में आपको सिर्फ टू आउटकम्स ही मिल सकते हैं, ईदर हेड और टेल। तो टू प्रिसाइजली डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल गई, तो आप इस टॉसिंग ऑफ ए कॉइन को बोल देंगे कि यस दे आर बर्नौलीज ट्रायल्स। ठीक, अब दोनों बातें चेक कर ली आपने कि क्या ट्रायल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो आपने बोल दिया यस। क्या उनकी प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पर भी आपने बोल दिया कि हाँ प्रोबेबिलिटीज भी इंडिपेंडेंट हैं। क्या ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास फिक्स हैं, तो यहाँ भी आपने आंसर दे दिया यस, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए हुए हैं 10। तो ये सभी बातें यहाँ फुलफिल होती हैं, तो आप बोल देंगे कि ये एग्जाम्पल बर्नौली ट्रायल्स का है। ठीक, तो आपने वैल्यू ऑफ एन ले लिया 10। अब आपने इसमें जनरल इक्वेशन लिखा, सो व्हाट इज द सक्सेस। यहाँ पर सक्सेस है हेड का आना, तो हमने लिखा सक्सेस हम रिकॉग्नाइज करते हैं यहाँ अगर हेड आ जाए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच कैन बी डिनोटेड बाय सपोज एक्स, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बोल दिया हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मीन्स नॉट सक्सेस को आपने बोल दिया 1 - p। सो इन द केस ऑफ कॉइन इट इज ऑल्सो 1/2, बिकॉज आप ले रहे हैं यहाँ पर 1 - 1/2। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लिखेंगे जनरल फॉर्म, मीन्स नाउ वी विल बी राइटिंग द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो आपने लिखा प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, वेयर एक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0। इस तरह से एक्स स्टार्ट हो गया। अब आपने वैल्यू पुट की, जनरल फॉर्मूला बन गया। तो दिस इज 10 cx, क्योंकि 10 ट्रायल्स लिए हैं, इंटू पी रेज टू एक्स, q
क्यू रेज टू एन माइनस एक्स. अब प्रेफर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू. सो व्हाट डू वी गेट? 10 सी एक्स हाफ की पावर एक्स, फिर से हाफ की पावर एन माइनस एक्स. ठीक है, ये आपके पास आ गया जनरल फंक्शन. अभी पावर्स को सॉल्व नहीं करेंगे. अब आपको क्वेश्चन वन में फाइंड करनी है. चेक द क्वेश्चन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली. चेक द क्वेश्चन. सिक्स हेड्स. तो यह डेफिनेट है, बिल्कुल आपके पास सिक्स हेड्स ही रिक्वायर्ड है आपको. सो इट एग्जैक्टली सिक्स हेड्स मतलब है आपको 10 में से 6 बार सक्सेस मिलनी चाहिए. ठीक है, अंडरस्टैंड द मीनिंग कि हमने टोटल ट्रायल्स लिए 10, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में बोला है एग्जैक्टली 6 टाइम्स वी शुड गेट द सक्सेस. सो हाउ कैन वी राइट इट? प्रोबेबिलिटी टू गेट सक्सेस 6 टाइम्स इज इक्वल टू 10 सी 6. इस फॉर्मूले में ये जो आपने जनरल एक्सप्रेशन निकाला हुआ है इसमें आप x के प्लेस पर पुट कर देंगे 6. सो दिस इज हाफ रेज टू 6 इंटू हाफ रेज टू 10 माइनस 6. नाउ सॉल्व दिस 10 सी 6 फर्स्ट. दिस इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. और इसको सॉल्व करेंगे अब हम हाफ रेज टू 6 इंटू हाफ रेज टू 10 माइनस 6 का आंसर होगा 4. सो वी गेट, अब हम 10 फैक्टोरियल वगैरह को एक्सपांड करेंगे. सो दिस इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक लिखा, क्योंकि वो फिर 6 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा. And this is 4 factorial. तो इसको भी ब्रेक अप कर देंगे आप 4 into 3 into 2 into 1. Now, factorial 6, factorial 6 is cancelled. अब आपने बाकी टर्म्स को कैंसिल किया. कॉर्नर्स से कैंसिल करेंगे तो बेस्ट रहेगा. 4 2s are, then it is 2 1s are, then 3 3s are. So we get this number as, ठीक है, ये आप ऊपर चेक करेंगे आपको नंबर मिल रहा है 10 into 3 into 7. So this is 10 into 3 into 7 और यहाँ आपको मिल रहा है हाफ का पावर 10. So what is this equal to? चेक कर लेंगे. 10 into 3 is 30 into 7. 30 into 7 will be 210 and divided by, suppose we write it as 2 raised to 9 into 2. So this is equal to 105 divided by 512. So this is the probability, means जब आप 512 trials करेंगे तो उसमें से 105 ट्रायल्स जो होंगे वो आपके लिए फेवरेबल होंगे. ठीक है, नाउ चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक. सॉल्व एग्जांपल नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है एट लीस्ट 6 हेड्स. तो एट लीस्ट 6 हेड्स का मीनिंग हुआ आपके पास 10 में से कम आपको 6 बार हेड्स मिलना चाहिए. तो व्हाट डज इट मीन? द प्रोबेबिलिटी टू गेट सक्सेस एट लीस्ट 6 टाइम्स. तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो आपको हेड 6 टाइम्स भी मिल सकते हैं या फिर आपको हेड 7 टाइम्स मिल सकते हैं, क्योंकि टोटल ट्रायल्स तो 10 है. या फिर आपको हेड्स 8 बार मिल सकते हैं, या फिर हेड 9 बार मिल सकते हैं, या फिर हेड हो सकता है आपको पूरे 10 बार मिल जाए. बट कम से कम हमें 6 बार सक्सेस मिलनी ही चाहिए. अब हम लोग इसके हर एक टर्म में चेक करो आपके पास कितने टर्म्स हैं. 1 2 3
फोर एंड फाइव. तो पांच टर्म्स में वी विल बी राइटिंग द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज जनरल फॉर्मूला क्या था, एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स. तो इसमें हम पुट करते जाएंगे टेन सी सिक्स पी रेज टू सिक्स. ठीक है, पी रेज टू एक्स है तो दिस इज पी रेज टू सिक्स इंटू क्यू रेज टू टेन माइनस सिक्स प्लस टेन सी सेवन. तो पी रेज टू भी सेवन आएगा एंड क्यू रेज टू टेन माइनस सेवन प्लस. अब एट हेड्स की प्रोबेबिलिटी टेन सी एट पी रेज टू एट क्यू रेज टू टेन माइनस एट प्लस टेन सी नाइन पी रेज टू नाइन क्यू रेज टू टेन माइनस नाइन प्लस टेन सी टेन पी रेज टू टेन एंड क्यू रेज टू टेन माइनस टेन. अब इसको आप सॉल्व कर लें तो आई होप अपने आप से सॉल्व कर पाएंगे बेटा. तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 210 प्लस 120 प्लस 45 प्लस 10 प्लस 1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1024 विच इज द फाइनल आंसर इज 193 अपॉन 512. ठीक है, देन इसी का आपको क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है. एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा 6 हेड्स मिलना चाहिए. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमें 6 हेड्स मिलने चाहिए. तो ज्यादा से ज्यादा 6 हेड्स मिलने का मीनिंग क्या हुआ, आप कैसे लिखेंगे इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में. प्रोबेबिलिटी टू गेट एट द मोस्ट 6 हेड्स. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस probability to get at least 6 heads. ऐसा ले लेंगे हम. So this is equal to 1 minus complementary probability का principle लगा दिया. तो x greater than 6 है मतलब आप x equal to 6 वाला event नहीं लेंगे. So what is this probability to get 7 heads plus probability to get 8 heads प्लस प्रोबेबिलिटी टू गेट 9 हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी टू गेट 10 हेड्स. ठीक है, इस तरह से आप निकाल लेंगे. सो इसको अब हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस पी 7 निकालने के लिए आप x की वैल्यू लेंगे 7. तो दिस इज 10 सी 7 इंटू पी रेज टू 7 इंटू क्यू रेज टू 10 माइनस 7 तो आएगा आपके पास 3 प्लस 10 सी 8 पी रेज टू 8 इंटू क्यू रेज टू 2. हर बार चेक करते जाओ, आपको दोनों का सम 10 मिलना चाहिए प्लस 10 सी 9 पी रेज टू 9 इंटू क्यू रेज टू 1 प्लस 10 सी 10 पी रेज टू 10 इंटू क्यू रेज टू 0. अब इसको भी आप अपने आप सॉल्व करेंगे. सो व्हाट यू शुड गेट एज द फाइनल आंसर, दिस इज 53 बाय 64. ठीक है, और सॉल्विंग के बाद अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है स्टिल यू शुड टेल मी. सो अगर डिफिकल्टी आई तो हम लोग जो बीच वाला पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेंगे. अदरवाइज टेक इट बाय द रेफरेंस ऑफ 11th क्लास. अब ये देखो, ये टेक्स्ट बुक का सेकेंड सॉल्व क्वेश्चन है. 10 एग्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट. तो विथ रिप्लेसमेंट वर्ड से आप प्रोबेबिलिटी को ये प्रूव करेंगे कि हर ट्रायल की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. स्टिल इसको बेसिक से करेंगे. फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव एग्स. मतलब मान लो किसी एक लॉट में टोटल 60 एग्स हैं. तो बेटा वेज खाने वाले बच्चे बुरा नहीं मानेंगे, ऑनलाइन क्लास चल रही है. ठीक है, फिजिकल क्लास नहीं है कि वेयर एग्स आर नॉट शोन, जस्ट दिस इज गोइंग ऑनलाइन. सो डोंट इमेजिन. तो 60 एग्स में
सिक्स एग्स जो है वो डिफेक्टिव है, मतलब आप कोई भी लॉट ले ले, मान लो आपने लिया 80 एग्स का एक लॉट, तो इसका 10% होगा 8 एग्स, तो 8 डिफेक्टिव होंगे। मान लो 200 एग्स हुए तो 20 डिफेक्टिव होंगे। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जितना भी बड़ा लॉट है आप उसमें से निकाल रहे हैं 10 एग्स निकाल रहे हैं आप, और उसको विथ रिप्लेसमेंट निकालते हैं फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव एग्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालो सक्सेस किसमें है, तो हमारी सफलता किसमें है कि हम डिफेक्टिव एग को निकाल दें। ठीक है, जब भी हम ड्रॉ करें तो हमारे हाथ में डिफेक्टिव एग आए, इस बात में हमारी सफलता है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहला एक स्टेटमेंट बोलेंगे, सिंस जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ इज डन विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो अब मीन्स आपने पहला एग निकाला वो आपको डिफेक्टिव मिला या नॉन डिफेक्टिव मिला, अगर मान लो वो डिफेक्टिव मिला तो आपने उस एग को फिर से बैग में रख दिया, और नॉन डिफेक्टिव मिला तो भी आपने उसको फिर से बैग में रख दिया, तो हर बार बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ एग्स सेम रहेगा। तो आपको यहाँ पर जो ड्रॉ करना है वो विथ रिप्लेसमेंट करना है, एंड व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ड्रॉ विल रिमेन सेम वी कैन शो दैट दीज आर द बर्नौली ट्रायल्स। तो हम पहले तो एग्री होने चाहिए इस बात पर कि बर्नौली ट्रायल्स हैं, तभी तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। अब चेक करो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस क्या है यहाँ पर, डिफेक्टिव एग का बाहर आना सक्सेस है। सो व्हाट इज दिस 10%, सो दिस इज 10/100, मीन्स प्रोबेबिलिटी विल बी 1/10। तो हम लोगों ने ले लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/10, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सक्सेस और फेलियर मीन्स फाइन एग को हम ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 minus p, so it is 1 minus 1/10, which is equal to 9/10. तो q की वैल्यू आ गई 9/10. अब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं, x follows binomial distribution of n and p parameters, so putting the values. ठीक है, तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ x एज द रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू आपके पास में प्रोबेबिलिटी आई है इसकी, एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, दिस इज 9/10। ठीक है, तो एक्स फॉलोज बाइनोमियल ट्रायल ऑफ और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एंड पी पैरामीटर्स, सो वी कैन राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ सक्सेस इज इक्वल टू 10 CX, पहले जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे, इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पी की वैल्यू नोन है, देन यू ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ क्यू, एज वेल एज आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स नोन है। ठीक है, सो वॉट वी हैव रिटन, इसको लिख दिया हमने एक्स फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन कॉमा पी पैरामीटर्स एज, दिस इज इक्वल टू 10 CX, पी की वैल्यू है 1/10 रेज टू एक्स, एंड क्यू की वैल्यू है 9/10 रेज टू 9 minus x, व्हाट इट। अब एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग मिलना चाहिए, तो हम पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे कि जीरो डिफेक्टिव एग मिल रहा है हमें, जीरो डिफेक्टिव एग, तो व्हाट विल बी इट्स प्रोबेबिलिटी, इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 10 C 0। ठीक, देन पी रेज टू 0, क्यू रेज टू 10 minus 0, सो पुटिंग द वैल्यूज दिस इज इक्वल टू 10 C 0। पी तो 1/10 है बट इसकी पावर 0 है,
क्यू की वैल्यू 9/10 है और उसकी पावर 10 है. सो अब वैल्यूज डाली आपने. व्हाट इज 10C0? दिस इज इक्वल टू 10. 1/10 की पावर 0 का आंसर होगा आपके पास 1. 10C0 का आंसर 1. 10C0 कैसे निकालेंगे वो चेक कर लेंगे हम. 10C0, दिस इज जस्ट इक्वल टू 10C10 एंड दिस विल बी 1. लाइक NCX इज फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस x फैक्टोरियल इनटू x फैक्टोरियल. सो वी कैन पुट इट दिस. दिस इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 0 फैक्टोरियल. सो बोथ विल कैंसिल एंड 0 फैक्टोरियल इज 1. सो दिस वैल्यू विल बी 1. सो 10C0 इज 1. 1/10 होल रेज टू 0 इज 1. सो दिस इज जस्ट 9/10 होल रेज टू 10. ठीक है, मतलब आपने जो ट्रायल्स किए उसमें 0 डिफेक्टिव एग आए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी. मीन्स हम बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और नॉन सक्सेस. दिस इज 9/10 रेज टू 10. ठीक है, सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विच इज इक्वल टू 9/10 पुट कर दिया आपने. 1 माइनस 9/10 रेज टू 10. सो वी कैन फाइंड दिस आंसर. दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव एग. नेक्स्ट कम्स द टॉपिक मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसके पहले चैप्टर नंबर 7 में हम लोग मीन मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको बोलते थे हम एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं. तो यहाँ आपको देखना है मीन मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय म्यू और ई ऑफ एक्स. And it is just the product of number of trials into the probability of success. ठीक है, इसको दोनों को आपको multiply कर देना तो you will be getting the mean of binomial distribution and only formula is to be discussed without proof in your syllabus. Then variance को हम indicate करेंगे var of x से and it is given by just the product of n into p into q. Means this is number of trials into the probability of success into the probability of non-success, that is failure. Next comes standard deviation जिसको हम st of x बोलेंगे. Or this is also denoted by sigma and this is standard deviation of x is just sigma x. It is equal to under root of variance of x. So it is under root of n into p into q. ठीक है, तो ये आपके पास तीन expressions आ जाते हैं. Revise करेंगे इनको. Mean of binomial distribution is just the product of number of trials into probability of success. Then comes variance of x which is equal to n into p into q. Then last comes SD means standard deviation which is also denoted by sigma or SDX which is equal to under root of variance of x. So what is variance of x? This is n into p into q. तो ये आपके पास mean, variance and standard deviation के expressions आ चुके हैं. Note down in your notebook. Now check the solved example given in our textbook where the full form or the verbal meaning will be the x follows binomial distribution of the n comma p parameter. So it is actual x follows binomial distribution of n comma p. So it gives us the data
लाइक द वैल्यू ऑफ एन मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू 10, ये आप कंपैरिजन से निकाल सकते हैं. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.4. नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इट मीन्स मीन. सो मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज फाउंड बाय प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू पी. तो हम दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे. सो दिस इज 10 इंटू 0.4, सो आंसर विल बी 4. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वेरियंस ऑफ एक्स. सो वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू चेक फॉर्मूला अगेन, एन इंटू पी इंटू क्यू. सो एन इज 10, पी इज गिवन एज 0.4 एंड क्यू कैन बी फाउंड बाय 1 माइनस पी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4. सो द वैल्यू ऑफ क्यू विल बी 0.6. तो इसको पुट कर दिया हम लोगों ने यहाँ 0.6. सो आंसर विल बी टोटल 4 इंटू 0.6 विच इज इक्वल टू 2.4. ठीक है. सो दिस इज द वेरियंस ऑफ एक्स. सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. नाउ चेक नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बी. दिस इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन इन टर्म्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इट मीन्स मीन, एंड द वेरियंस ऑफ एक्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल. This is 4cx 5 by 9 raised to x 4 by 9 raised to 4 minus x. Now we compare it with the standard probability function. So what is the standard probability binomial distribution function, which is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x. तो जैसे ही आप कंपेयर करते हैं, यू गेट द वैल्यू ऑफ n as 4. n की वैल्यू आपको मिलती है 4. देन p की वैल्यू मिल जाती है 5 by 9 एंड q की वैल्यू मिल जाती है आपको 4 by 9. ठीक है. सो वी राइट ऑल द डेटा गिवन बाय कंपैरिजन. We get n equal to 4, p equal to 5 by 9 and q equal to 4 by 9. Now first we have to find out the value of ex, that is the mean. So this is n into p. Values put kar do 4 into 5 by 9, which is equal to 20 by 9. Next check karo aap question mein. अगली वैल्यू आपको निकालनी है वेरियंस ऑफ एक्स, विच इज इक्वल टू एन पी क्यू. तो पुट करती वैल्यूज, एन इज 4, पी इज 5 बाय 9, क्यू इज 4 बाय 9. सो वी गेट द आंसर एज 80 बाय 81. ठीक है. नेक्स्ट चेक करूं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ई एक्स इक्वल टू 6, तो ई एक्स मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज 6. सो वी राइट द एक्सप्रेशन फॉर मीन एज एन पी, दिस इज इक्वल टू 6. एंड वेरियंस एक्स 4.2 है. तो दिस इज वेरियंस ऑफ एक्स इज 4.2, विच इज एन पी क्यू. सो फाइंड एन एंड पी. तो सबसे पहले आप ये इक्वेशंस की नेमिंग कर लो. दिस इज 1 एंड इट इज 2. नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. सो दिस इज वेरियंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एन पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी. So this is 4.2 divided by 6
सो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एनपी एनपी कैंसिल करके मिलता है क्यू. सो दिस इज क्यू इक्वल टू 0.7. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सक्सेस. ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सक्सेस. सो व्हाट विल बी पी बाय कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी? This is 1 minus 0.7. So the value of P will be 0.3. Now we can use this expression to find N. So फिर से check करो, problem को recycle करो. Expected value आपको given है 6. और expected value का formula होता है NP equal to 6. Put the value of P. So this is N into 0.3 equal to 6. So n is 6 upon 0.3. तो आंसर आ जाता है आपके पास 20. तो अगर सेम क्वेश्चन आपको वर्ड्स में पूछा होगा तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 20 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.3. क्योंकि कॉम्पिटिटिव में आपको वर्बल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सक्सेस इज इक्वल टू 0.7. सो जस्ट रिमेम्बर द वर्बल फॉर्म्स शुड ऑल्सो कम टू रिसाइट. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स. If getting an odd number is a success, because जो भी success है वो आपको probability of success लेना पड़ेगा. ठीक है, so इसको आप throw कर रहे हैं 6 times, so this will be the number of trials, so it is n. If getting an odd number is a success, तो ऑड नंबर की जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसको रिगार्ड करेंगे आप पी. सो चेक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस. मतलब आपको 6 जो ट्रायल्स आप ले रहे हैं 6 थ्रो में आपको 5 बार एग्जैक्टली ऑड नंबर्स ही मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो सबसे पहले हमने लिया नंबर ऑफ ट्रायल्स इक्वल टू 6. Now x random variable ले रहे हैं, getting an odd number, so odd number may be 1, 3, 5 on the die, so the number of favorable events are 3. So now we can have according to first question 5 successes. तो 5 successes को आप मान लेंगे x. ठीक है, इसको मान लेंगे आप x. तो आपके पास sample space में आया 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 6. सो बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी. सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस. तो ये आ गया 3/6, जिसका सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन आ गया आपके पास 1/2. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन स्मॉल पी. अब पी एंड क्यू दोनों ही प्रोबेबिलिटीज हैं, तो हम लोगों ने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मीन्स डिनोटेड बाय क्यू विच इज इक्वल टू 1 - p. सो द वैल्यू ऑफ क्यू इज अगेन 1 - ½, दैट इज ½. अब एग्जैक्ट 5 सक्सेस रिक्वायर्ड है हमें, मीन्स हम 6 ट्रायल्स में से 5 ट्रायल्स में चाहते हैं कि हमें ऑड नंबर मिले. तो हम सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं. द वैल्यू ऑफ n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 6. सक्सेस रिक्वायर्ड है 5 ट्रायल्स में. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ½ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज ऑल्सो ½. सो द कॉमन रिप्रेजेंटेशन is x follows binomial distribution of parameters n comma p. So we are putting the values. X follows the binomial distribution of 6 comma ½. ये हर क्वेश्चन में चलेगा, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है. रिप्रेजेंटेशन का तरीका मतलब लिखना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 सक्सेस,
हमको x की वैल्यू चाहिए 5, मींस नंबर ऑफ सक्सेस। सो कॉमन फॉर्म लिखा n c x t रेस टू x q रेस टू n माइनस x। n की वैल्यू है 6, ऊपर वाले वैल्यूज चेक कर सकते हैं हम। x की वैल्यू है 5, तो दिस इज 6 c 5। t की वैल्यू है हाफ, q की वैल्यू है हाफ, तो इसको पुट कर दिया। सो वी गेट द एक्सप्रेशन एज 6 इंटू हाफ रेस टू, इसका आंसर आएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 मतलब 6, तो ये आंसर आया आपके पास 6 इंटू 1 बाय 2 रेस टू 6। और यहाँ मैंने 6 सी 5 की वैल्यू आपको निकाल के दिखाई हुई है, दिस इज इक्वल टू 6। इसके साथ ही एक और फॉर्म पर भी आप ध्यान देंगे, कॉम्बिनेशन में हम पढ़ चुके हैं, एन सी आर इज ऑलवेज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, मीन्स वेयर एवर इट कैन बी यूटिलाइज्ड। सपोज वी से 6c5, तो दिस इज इक्वल टू 6c6 माइनस 5, मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 6c1। सपोज नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बोले इसका 6c2, सो दिस इज इक्वल टू 6c4। इस तरह से आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 5 सक्सेसेस एज सिंप्लीफाइड फॉर्म 3/32, और दिस इज 3/2 raised to 5, दिस विल बी द आंसर। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा हुआ है एटलीस्ट 5 सक्सेस, तो एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब कम से कम आपको 5 बार और नंबर मिलना चाहिए आउट ऑफ 6 ट्रायल्स, और 5 से ज़्यादा भी मिल सकता है, मतलब कम से कम 5 बार मिलना चाहिए। तो टोटल तो 6 ट्रायल्स हैं, तो या तो हमें 5 टाइम्स सक्सेस मिलेगी और 6 टाइम्स, सो वी विल बी पुटिंग द एक्सप्रेशन वैल्यूज डाल दी हमने। Now again we are using 6C5 को आप पुट करेंगे 6, और 6C6 का आंसर होता है 1, एंड यहाँ आप ऊपर निकाल चुके हैं इनकी वैल्यूज, सो जस्ट यू सॉल्व द क्वेश्चन एंड गेट द आंसर इज 7/2 raised to 6। ठीक है, नेक्स्ट लिया हमने एट मोस्ट 5 सक्सेस, तो एट मोस्ट 5 सक्सेस मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेसेस, तो इसमें आपको जो टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगी दैट इज प्रोबेबिलिटी टू गेट 1 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी टू गेट 2 सक्सेसेस प्लस प्रोबेबिलिटी टू गेट 3 सक्सेसेस और ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेसेस। तो आपके पास जो कॉमन एक्सप्रेशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का दैट इज एन सी एक्स p raise to x, q raise to n minus x, तो इसको हमने हर स्टेप के लिए यूटिलाइज किया, सो वी गेट 5 स्टेप्स। अब 6c1 और 6c5 दोनों की वैल्यू होगी 6, तो आप इसको भी पुट कर सकते हैं 6, एंड द लास्ट स्टेप मल्टीपल कैन ऑल्सो बी पुट एज 6। फिर जो इक्विडिस्टेंट फिर से आपके पास कोएफिशिएंट्स हैं जैसे 6c2 एंड 6c4, दे आर इक्वल, तो सपोज आपने इसको निकाला, सो दिस इज फैक्टोरियल 6/6-2 (2). सो इट कम्स एज 6/4 (2). Now we write it, 6 factorial को आपने break किया, so this is 6 × 5 × 4 divided by 4 × 2, so both of them will cancel, ठीक है, 4 × 4 cancel हो गए, 2 का answer आता है 2, तो आपने इसको cancel किया 3, so this is 3 × 5 = 15, तो इसमें भी आप पुट कर सकते हैं 15 और यहाँ भी पुट कर सकते हैं 15, एंड 6c3 निकाल लेंगे अब। 6c3 इज फैक्टोरियल 6/6-3
इंटू थ्री फैक्टोरियल, अब फिर से इसको ब्रेक किया, 6 × 5 × 4 × 3 / 3 × 3 Now since 3 factorial is cancelled and this 3 factorial is 6 cancelled, so answer will be 5 × 4 = 20. और फिर आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा हुआ है इसमें 6C3 के प्लेस पर डायरेक्टली पुट कर देंगे 20 एंड जस्ट कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ P, Q और इनके पावर्स, टोटल पावर्स बाय पुटिंग P इक्वल्स टू P भी आपके पास हाफ है और Q का आंसर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सक्सेस का आंसर भी हाफ है. सो यू कैन फाइंड द टोटल आंसर आफ्टर कंप्लीट कैलकुलेशन. अब ये देखो एक्सरसाइज 8.1 का सेकेंड क्वेश्चन. अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 times. If getting a doublet is considered as a success, find the probability of 2 successes. तो हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कोशिश करनी है निकालने की n, फिर x, फिर p, फिर q. तो binomial distribution में आप ये basics अगर सीख लेते हैं कि the n is total number of trials, then कुछ ना कुछ आपको experiment का success दिया हुआ होगा. तो यहाँ पर success है आपके पास getting a doublet. तो उससे हम निकाल लेंगे सक्सेस कितनी बार मिलना चाहिए, 2 बार मिलना चाहिए. तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल लो, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल लो 1 - p करके. तो जितनी बार आप डाइस के पेयर को थ्रो कर रहे हैं वो आपके पास में हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो जैसे ही आप एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं, सो सपोज दिस इज द टॉप मोस्ट सरफेस, ठीक है, आपने ये एक डाई ली, दिस इज 1 die एंड लेट दिस बी अनदर डाई. अब इसके टॉप मोस्ट सरफेसेस पर मीन्स यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा उसका हम सैम्पल स्पेस बना चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, पूरा आप ये सब पढ़ चुके हैं कि सैम्पल स्पेस मतलब द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो जब हम इसका कंप्लीट सैम्पल स्पेस बनाते हैं, सपोज मैं बाकी प्लेसेस छोड़ देती हूँ और सिर्फ मैं डबलेट वाली प्लेसेस फिल करती हूँ, सो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा आपके पास 2 1, देन डबलेट आ गया, देन यहाँ 2 3 2 4 2 5 2 6. इस तरह से जब आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे तो इस पूरे सैंपल स्पेस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 6 square, इट मींस 36, ठीक है, आपके पास टोटल एलिमेंट्स आ जाते हैं यहाँ पर 36. अब गेटिंग अ डबलेट चेक करो सैंपल स्पेस में, आपके पास डबलेट कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 6 बार डबलेट आ रहा है. सो गेटिंग अ डबलेट is 6 success, मतलब 6 बार आ रहा है, तो इसको आप बोल देंगे nx. अब निकाल लेंगे आप small p की value, means probability of success is nx upon ns, तो which is equal to 6 upon 36, means which is 1 upon 6. अब निकाल लेंगे probability of failure, which is by complementary probability, so this is 1 - p, so it is 1 - 1/6, means 5/6. अब आपको चारों values मिल गई, n x, n की वैल्यू है 4, बिकॉज पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 4 times, आपको 2 successes रिक्वायर्ड, आई मीन दैट इज द वैल्यू ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ p इज 1/6 एंड द वैल्यू ऑफ q इज 5/6. अब कॉमन रिप्रेजेंटेशन का वे कैसा है, x follows बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n कॉमा p पैरामीटर, सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, n is 4 and p probability of success is 1/6, तो आपको यह मिल जाता है only 2 successes के लिए, means exactly 2 success के लिए x equal to 2. So just write the common way of probability distribution function. This is n c x p raise to x, जो यहाँ है वो इसके power में आएगा और जो n minus x है वो q के power में आएगा. So just putting the values, again take the values, n 4 है,
एक्स की वैल्यू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 5/6, जो हमने 1 - 1/6 करके निकाला है। अब हमने सबकी वैल्यूज डाल दी, सो दिस इज 4 × 4 - 2 × 2 × 1/6² एंड दिस 4 - 2 विल बी 2, सो दिस इज 5² / 6² अब इसको ब्रेकअप किया 4 को, तो दिस इज 4 × 3 × 2 × 2, सो 2 × 2 कैंसिल एंड दिस 2 विल कैंसिल बाय 4 टू गिव अस 2, सो दिस इज 2 × 3 = 6 × 5² = 25, 6 raised to 4, तो पावर सॉल्व होकर आपको मिल जाएगा 25/6³, which will be 25/216। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। चेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। ठीक है, जैसे कोई भी एक कंटेनर है और उसमें बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं, तो उसमें से 5% आइटम्स डिफेक्टिव है। What is the probability that a sample of 10 items will include, ये बात important है आपके लिए, not more than one defective item। मतलब आपको यहाँ पर n की value show हो गई कि the value of n is 10, means the total number of experiments, 10 items है आपके पास total, और जब उसमें से हम items निकालेंगे तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम शुड नॉट बी मोर देन वन। इसका मतलब है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम हो सकता है या तो 0 या फिर 1, बट 1 से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं निकलना चाहिए। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव आइटम, मतलब जितने भी आइटम्स हैं उसमें से 5% डिफेक्टिव आइटम्स ही हैं, तो इसी से आप निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, so which is 5%, so 5/100 means 1/20। अब second probability हम निकालेंगे, that is probability of failure which is 1 - p, so it comes as 19/20। तो अभी तक आपको 3 values मिल चुकी हैं, the value of n is 10, the value of p is 1/20 and the value of q is 19/20। अब आपको find करना है x, तो x means क्या मानेंगे हम यहाँ पर, number of defective items। ठीक, तो probability mass function आप define करते हैं, representation x follows binomial distribution of n comma p parameters। तो अभी तक तो ये सब आपको learn हो चुका होगा, हमें वैल्यूज अभी तक क्या क्या मिली हैं, n की वैल्यू है 10, क्योंकि उस बैग में टोटल 10 आइटम्स ही मानने हैं आपको, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इज 1/20 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम इज 1 - p, मींस 19/20। अब हमको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x, मतलब कि आप जो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो आपने यहाँ n और p की वैल्यूज पुट कर दी। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, n c x p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम शुड नॉट बी मोर देन 1, इसका मतलब हुआ एट द मोस्ट वो 1 होना चाहिए या फिर 1 से कम होना चाहिए, बट 1 से कम, नंबर ऑफ आइटम्स फ्रैक्शन में तो आप बोल नहीं सकते कि आधा आइटम खराब है, आप पूरा आइटम बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे नो आइटम इज डिफेक्टिव। तो नो आइटम इज डिफेक्टिव मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन 0 आइटम इज डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन ओनली 1 आइटम इज डिफेक्टिव। सो अप्लाइंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन सी 0 p raise to 0, ये same value आपके पास power के form में आती है, and then q raise to n minus 0 आता है, plus n c 1, क्योंकि x की value 1 है,
पी रेज टू आपके पास एक्स आता है एंड क्यू रेज टू एन माइनस एक्स. सो जस्ट वी पुट ऑल द वैल्यूज. अभी सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं आपको, तो एक बार वैल्यूज को देख लो. एन की वैल्यू 10 है, एक्स एक बार आपको लेना है नो डिफेक्टिव आइटम मीन्स 0, और दूसरी बार आपको लेना है 1, यहाँ 0 और 1. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आया 1/20 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आया 19/20. तो हमने ये सब वैल्यूज पुट कर दी. अब आपने चेक किया व्हाट इज 10C0, दिस इज इक्वल टू 1 एंड 10C1 विच इज इक्वल टू 10. बट एडिशनली भी ये कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे, अगर कहीं वो यूज होगा तो 10C9 भी 10 ही होगा. अब आपने सब वैल्यूज डाल दी. सो वी कैन टेक 19/20 रेज टू 9, यहाँ से भी 19/20 रेज टू 9 कॉमन. नाउ दिस इज कैंसल्ड, 10 टू सा. तो जब आपने इसमें से 19/20 रेज टू 9 कॉमन लिया तो अंदर बचता है 19/20 प्लस 1/2. सो दिस इज 19/20 रेज टू 9 इनटू, इसमें आपने सपोज 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. सो एलसीएम बिकम्स यूनिफॉर्म, दैट इज 20 एंड 19 प्लस 10 विल बी 29. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 12 तक आप अपने आप ट्राई करेंगे एंड वॉट एवर विल बी द डाउट मैसेज मी एंड देन वी विल बी सॉल्विंग दोज डाउट्स टुमारो इन